शंकर को जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा हुआ जल नंदी का एक पांव, जो नंदी शिव जी के सामने होता है, उसका एक पांव उठा हुआ होता है, उस पांव के पास में जल समर्पित करने के बाद नंदी के सीधे कान में अपने नेत्र बंद कर भगवान नंदीश्वर के कानों में सुयशा का नाम लेकर जो अपनी कामना धीरे से नंदी के कान में कहकर आ जाता है, 3 से 3.5 महीने में उसकी कामना पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तु। महाराज, दुनिया के लोग नहीं समझते कि शंकर पर जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव महापुराण कहती है, अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है, मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कोई व्यापार नहीं चलता हो, दिक्कत आ रही हो, तो हनुमान जी के दूसरे नंबर का भाई गतिमान का स्मरण करो। हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लगाकर गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बना दिया जाए व्यापार वाली जगह पर, तो व्यापार अच्छा चलने लगता है। महाराज, कोई व्यक्ति पैसा खा गया, नहीं दे रहा, बहुत परेशान हो गए, मांग मांग कर दे गए, नहीं दे रहा, हाथ जोड़ लिया, पांव जोड़ लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं दे रहा, तो हनुमान जी के तीसरे नंबर का भाई रतिमान, रतिमान गतिमान रतिमान, रतिमान का नाम लीजिए, पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर से जो व्यक्ति पैसा लेकर गया उसका नाम लेकर बहते हुए पानी में अपनी कामना करकर रतिमान का नाम लेकर छोड़ दीजिए। 15 दिन में रतिमान ऐसी उतावरी मानक मचाता है कि उसको हाथ जोड़कर वो खुद फोन लगाकर बोलता, भैया तेरा मैं पैसा लुटा दूंगा। रतिमान का स्मरण किया जाता है, रतिमान। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज, जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें, ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्वशत्रु संहारणाय सर्वरोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर अपनी कामना कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, इस स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचा, पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा, 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए गाय के घी के 5 लड्डू रख लो, उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर पंचमुखी हनुमान का, किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रखकर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेगा, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला। विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार।
समर्पित करो, उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित कर रहे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ये कथा बड़ी सुंदर है कि आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे, आप चाहते हैं कि कोई रोग हमको ना घेरे और आपको लग रहा है कि कोई रोग ऐसा है जो घेर रहा है, या कोई शरीर में ऐसा रोग उत्पन्न होने वाला है, या कोई बीमारी ऐसी उत्पन्न होने वाली, तो उसके लिए सबसे सुंदर तरीका कि शंकर जी पर अलोनी जो गोबरी होती है, गोबरी जानते हो, कंडा, अलोना कंडा, अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा और वो सूख गया, उसको थापा नहीं गया, हाथ से कंडा नहीं बनाया गया, गोबरी नहीं बनाई गई, केवल गाय ने गोबर करा वो सूख गया, और वो सूखा हुआ जो गोबर है उसको जलाकर जो भस्म तैयार करी है, उसको जलाकर जो हमने राख तैयार करी है, भस्म बनाई है, उस भस्म को जो तैयार करा गया है, वो भस्म शिव को जो हमने समर्पित करा, उस भस्म को सफेद वस्त्र में लिया और बाबा पर समर्पित करी, उसी भस्म को हम उठा कर लिया। और यदि आप भस्म नहीं चढ़ा सकते तो कभी विश्वनाथ जाएं तो वहां से भस्म ले आए, कभी उज्जैनी जाएं तो वहां से भस्म ले आए। उस भस्म को हम यदि अपने नाभि से वक्ष स्थल के मध्य में त्रिपुंड लगा लेते हैं, जीवन में अगर आप मात्र एक महीने में एक बार भी त्रिपुंड अपने वक्ष स्थल के नजदीक में नाभि से ऊपर अगर लगा लेते हैं महाराज, तो ऐसा कोई बड़ा रोग आपकी जिंदगी में प्रवेश कर ही नहीं सकता। इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर भस्म में जो सुख है, भस्म का जो आनंद है, भस्म का जो रस तत्व है, उसको यदि एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप करके देखेंगे तो बाबा कुबेर भंडारी वैसे ही भंडार भर देगा। थोड़ा सा प्रयास अगर आपके सबके घर में गंगा जल है तो एक प्रयास करके देखिए। कोई कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वो कार्य अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास कर लिया आप, बहुत दिन से लगे हुए कि यह काम होना ही चाहिए, काम बहुत जरूरी और होना ही चाहिए, नहीं हो रहा, एक कटोरी में गंगा का जल निकाल लीजिए और कटोरी में गंगा का जल निकाल कर तुम्हारे घर में एक सिक्का पड़ा हो, एक रुपया, दो रुपया, पांच रुपया, कोई सा भी एक सिक्का पड़ा हो, जो भी सिक्का पड़ा हो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, जहां परिंडा होता है, पानी का मटका होता है, पितरों का स्थान होता है, हंडा भरते हो, मटका भरते हो, उसके पास में उस कटोरी को रखकर एक का सिक्का, दो का सिक्का, पांच का सिक्का, दस का सिक्का, जो तुम्हारे पास सिक्का पड़ा हो, जो भी तुम्हारे पास पड़ा हो, वो सिक्के को हथेली में लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस कटोरी में डाल दीजिए और उस जल को नैनों से लगाकर आप काम के लिए निकल जाइए, वो काम आपका सफल होकर ही रहेगा, झूठ नहीं सकता। गंगा के जल में वो बल होता है, और आप जो सिक्का डाल रहे हो वो ये समझ कर डालें कि कुंदकेश्वर महादेव को मैं गंगा में स्नान करने के लिए, हमारे यहाँ पहले हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा, किसी किसी जब बारिश नहीं होती है या कोई काम अटक जाता है जब बारिश, तो क्या करते थे पहले के जमाने में, कि मंदिर को पैक कर दे, उसमें पानी भर दे शंकर जी के ऊपर, आपने कई जगह देखा होगा, उसमें शिव जी को डुबा, तो किसके लिए डुबाते थे, कुंदकेश्वर महादेव के, ये नियम है कुंदकेश्वर महादेव का, ये कुंदकेश्वर महादेव को उस कटोरी में, उस बाटकी में सिक्के को, और फिर जब आपका काम हो जाए, आप जिससे मिलने गए हो, जिससे काम की बात करने गए और काम हो गया, तो वो जल ले जाकर सिक्के के साथ, सिक्का तो डालो मंदिर में कहीं दान पेटी आदि में, और वो जल भगवान कुंदकेश्वर के नाम से शिव जी को समर्पित कर दो, बाबा से विनती करो, बहुत बहुत साधुवाद है बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, तेरी कृपा बनी रहे, बस ये सुख मिलता, उसको धन्यवाद दो बाबा बार बार, हम तो रोज कहते, रोज प्रतिदिन उठो और उठते से धन्यवाद दे दो, धन्यवाद उठते से कहो। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है, शंकर को बड़ा प्रिय है, और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज, तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प, सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है, हमारा तो निवेदन रहता है जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो महाराज, ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती, अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना
कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, मणिभद्र, शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल है मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ, जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग, मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज, उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापिस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए, शंकर भगवान को शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापिस ले जाकर चढ़ा दीजिए, शिव जी को उसको वापिस लेकर आ जाइए, उस तेल का प्रयोग आप